गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिन है आज 8 अक्टूबर 2021 और टाइम हुआ है 6:20:21। ऐसा ही है अंदाज़ा और मैं हूँ करगिल में और जा रहा हूँ लेह लद्दाख। यहाँ से लद्दाख में तो मैं ऑलरेडी हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं लेह में जा रहा हूँ। आज का सफ़र मेरा एंड अप होगा, जो आज की लेग है इस जर्नी की, जो दिल्ली से 5 अक्टूबर को शुरू हुई है, मेरी क्रूज़र क्वीन इंटरसेप्टर 650 के साथ। मैंने इसको प्यार से क्रूज़र क्वीन का नाम दिया है और आप प्लीज़ बने रहिए मेरे सफ़र में, मेरे साथी बनकर, मेरे दोस्त बनकर, और मैं इस पूरे जर्नी का अपडेट देता रहूँगा। और जो व्यूअर्स नए हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर मेरे चैनल अर्बन नोमैड्स को लाइक करें, वीडियोस अच्छे लगे तो शेयर करें, लाइक करें, और अगर सब कुछ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरे जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी एडवेंचरस वीडियोस हैं, वो आप तक इमीडिएटली पहुँचे। तो मैं हूँ मंजीत सिंह, अर्बन नोमैड्स यूट्यूब चैनल, एंड सोलो ड्राइव कर रहा हूँ दिल्ली से लेह एंड बियॉन्ड। उसके आगे बियॉन्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहाँ तक जा पाते हैं, कहाँ तक रास्ता खुला है। अभी मुझे पता लगा है कि दिशकित से, जो कि खरदुंगला से आगे है, वहाँ का रास्ता कुछ सिचुएशन और है। तो कोई बात नहीं, मुझे करगिल में इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो मैं अकॉर्डिंगली देखूँगा और हम चलते हैं। चलो एंजॉय करें ये सफ़र, एंड हियर एम आई, गुड टू गो। देखिए दोस्तों, कैसा लैंडस्केप है इस जगह का। ये जनाब सुबह सुबह यंगस्टर सैर कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और ये चीज़ें मुझे अंदर तक इम्प्रेस करती हैं, मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, एंड मैं वहाँ से ड्राइविंग फोर्स लेता हूँ ऐसे यंगस्टर्स से, क्योंकि यंगस्टर्स में भी मैंने देखा है सभी इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। तो दैट इज़ अ डिफरेंट केस, सोच लेना अपने आप। लेकिन यंगस्टर्स जो ध्यान रखते हैं, अच्छी बात है। तो दोस्तों, मैं अब निकल रहा हूँ, मेरी जो क्रूज़र क्वीन है उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड हियर आई एम, हियर आई एम। ये देखिए ऊपर, ओहो कैसे घर हैं, इनको बयां कैसे करूँ मैं, इन बेजान से पहाड़ों के ऊपर प्यारे प्यारे घर बना रखे हैं। कितने मेहनती लोग हैं लद्दाख के। यस, कोई डाउट? नो डाउट सर। 225 किलोमीटर है मुझे पहले लेग वाइज, ये सफ़र लेग्स में बांटना है, यानी कि मैं, मेरा गला बैठा हुआ दोस्तों, मुझे माफ़ करना, बहुत बोल के कल गला बैठा है। और रास्ते में इतनी धूल, और जोजीला पास जो कि संसार का सबसे ख़तरनाक दर्रों में से एक है, तो वहाँ पर तो बैंड बज गई थी, धूल ही धूल थी। और उसके बाद भी जो बड़े ट्रक्स हैं जहाँ सप्लाई जाती है इस रीजन को नीचे से, उन ट्रक्स की धूल जो आगे होते थे, तो
मुझे ही खानी पड़ती थी, मुझे ही फांकनी पड़ती थी धूल, तो देर वॉज नो अदर ऑप्शन दैन डूइंग दैट। तो वो किया, अरे 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 ओ क्या बात क्या बात, नज़ारे नज़ारे नज़ारे, ये देखिए दे देखिए, ओहो हो। तो मैं निकला हूँ धीरे 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 एंजॉय करता हुआ। मुझे गाड़ी, मुझे मोटरसाइकिल, अपनी क्रूजर क्वीन का भी ध्यान रखना है कि वो भी रेस्ट मांगे तो मैं रेस्ट दूँ, और कुछ चेक करना है वो भी चेक कर सकूँ उस वक्त, और एंजॉय कर सकूँ उस स्पीड से चलूँ, रीज़नेबल स्पीड से। तो मेरी स्पीड जनरली रहती है 70, और जब कुछ बीच में काफ़ी अच्छे पैचेस हैं लंबे देर तक के लिए, यानी कि देर तक आपको अच्छे रोड मिलते हैं, तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ कि चलो बचाओ टाइम, ताकि रात को अंधेरा ना हो जाए अपने डेस्टिनेशन पर जो सेट किया है मैंने आज के लिए, या फॉर दैट मैटर किसी भी पर्टिकुलर डे के लिए, तो उसको कवर कर लें। तो ये मैं करता हूँ बीच बीच में, वहाँ पर स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। वैसे जनरली मैं स्पीड जो है वो 70 या 60, या फिर बहुत जब बेकार रोड, बहुत ही रोड ही नहीं होते जहाँ पर, ऐसे ही तो हैं खरदुंगला से पहले ही बहुत ऐसे रोड हैं, आगे का तो अभी आज बता दूंगा मैं, आगे के रोड अभी सुना है इम्प्रूव हो गए। मैं आया था लास्ट टाइम लद्दाख में खरदुंगला में 1993 अगस्त में, अगस्त सितंबर में, तो 9 को मैं दिल्ली वापस जा चुका था, पहुँच चुका था 9 सितंबर को, 28 अगस्त को चल के। तो ये थी कहानी छोटी सी 1993 में मेरी पहली विजिट जो थी यामाहा RX 100 के ऊपर। और अब मैं हूँ दोबारा अपनी 650cc इंटरसेप्टर, जिसको मैंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्नेह से एक नाम दिया है, दैट इज़ क्रूजर क्वीन। ये देखिए मज़ा आ रहा है, वो देखिए सामने पहाड़ियाँ जिन जिन पर धूप पड़ रही है, और एक अलग सी छटा छाई हुई है, और अच्छा लग रहा है। ये टैंकर्स खड़े हुए हैं फ्यूल के, जो कि रात को आए होंगे और अब रेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर निकलेंगे। यही कहानी है सप्लाईज़ की यहाँ पर। ये देखिए वाओ, ओहो, ये तो अभी वाह क्या बात है। अभी कुछ लाइटें जल रही हैं, हालांकि दिन निकल चुका है, तो स्ट्रीट लाइट्स अभी जल रही हैं कहीं कहीं, ये देखिए। तो मैं थोड़ा अपनी चिन को घुमा के आपको दिखाता रहता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि स्ट्रेट नहीं दिख सकती कैमरे से। तो ये जी हम क्या पढ़ रहे हैं, हेडक्वार्टर्स चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट विजायक। ओके प्रोजेक्ट विजायक, ये देखिए रोशनी अभी जल रही है। तो ये है जी चेस्पा रेजिडेंसी करके, शायद वही ठीक पढ़ा मैंने। तो हम निकल रहे हैं करगिल से लेह की तरफ, ये जर्नी है करगिल से लेह की तरफ, और ये जर्नी जब शुरू हुई है वो अक्टूबर 5 सुबह